जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोटॉक यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 21 से 27 फरवरी के बारे में, बीच के 7 दिनों के बारे में। इस सप्ताह जो है दो बड़े ग्रह शुक्र और मंगल का मकर राशि में गोचर होगा। तो हमने शुक्र, मंगल, बाकी सभी ग्रहों और सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलता है उसके अनुसार आपका राशिफल तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों को कैसा फल मिलेगा। तो इस सप्ताह जो है आपके चंद्र देवता सप्तम, अष्टम और नवम भाव में संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा आपका। सप्ताह में जो है जीवन साथी से अंत में नोक झोंक हल्की हो सकती है, पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। वहीं गूढ़ विषयों को पढ़ने को से आपको काफी फायदा पहुंच सकता है। सप्ताह के अंत में धार्मिक कार्यों से लाभ मिलेगा और वहीं आपको पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में जो है संचार करेंगे, गोचर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में, सप्ताह की शुरुआत में सेहत का आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका मध्यम भाग अच्छा है, वहीं जीवन साथी द्वारा जो है आपको लाभ मिल सकता है। लव पार्टनर के साथ रोमांटिक क्षण बिताने का मौका मिलेगा, लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। सामाजिक स्तर पर थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वहाँ दिक्कत आ सकती है। वहीं सप्ताह के अंत में अचानक से धन लाभ की उम्मीद है। कारोबारी जो है इस राशि के उनको मुनाफा हो सकता है। उपाय के तौर पर माता संतोषी की पूजा आराधना कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, वहीं सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हेल्थ बिगड़ सकती है, मौसमी मार पड़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। माता पक्ष से आपको लाभ होगा ननिहाल की तरफ से। वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। वीकेंड पर जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। उपाय के तौर पर गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाइएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। तो राशि चक्र की चौथी राशि कर्क की बात कर ले तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। इसीलिए माता के साथ आपका अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। वहीं माता से जो है आपको उनके द्वारा आपको लाभ भी मिल सकता है। विद्यार्थियों के विदेश जाने के ख्वाब जो है वो पूरे हो सकते हैं, जो लोग फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते थे। हेल्थ की बात कर ली जाए तो सप्ताह के अंत में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। शत्रु पक्ष से भी सावधान रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर शिव चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह जो है आप अपनी जो है कई कामनाओं को पूरा करने वाला ये सप्ताह साबित हो सकता है आपके लिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं आप। माता के जरिए आपको धन लाभ मिलेगा। वहीं प्रेम संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आएगी। कुछ लोगों को जो सिंगल हैं उनको किसी से प्यार भी हो सकता है। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगी, जिसकी वजह से सामाजिक स्तर पर आपकी मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनकी पैतृक संपत्ति में भी इजाफा संभव है। सप्ताह के जो है मध्य में वाहन चलाते समय सावधान रहेगा। सप्ताह के अंत में प्रॉपर्टी या फिर कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर बहन या मौसी को उनकी पसंद का उपहार दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में संचार करेंगे। मानसिकता के में जो है आपके अच्छे बदलाव, आपको जो सोच थी आपकी वो चेंज होगी। बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग मिलेगा। हेल्थ में भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, बदलाव मिलेगा। जो महिलाएं हैं वो अपने आप पे खर्च कर सकती हैं, वस्त्र आभूषण ले सकती हैं। सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ कहीं घूमने जाने का आपको मौका मिल सकता है। हेल्थ की बात कर ले तो नर्म गर्म रहेगा। उपाय के तौर पर सफेद वस्त्र धारण कीजिएगा, लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत की बात कर लें तो आपके काफ़ी खर्च बढ़ सकते हैं, पैसा बहुत खर्चा हो सकता है। विदेशी स्रोत से भी आपको लाभ की संभावना है, जो लोग फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन डील करते हैं। जो सप्ताह का मध्य भाग है उसकी बात कर ले तो आपको अपनी कमियों को जानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और सप्ताह के अंत में जो लोग हैं वो निवेश करने से उनको लाभ की संभावना है। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र में जल पिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार।
अब बारी है धनु राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए लाभदायक रहेगी, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलेगा। वहीं कारोबारियों को लाभ जो है किसी अनजान शख्स से मुलाकात के बाद हो सकती है, यानी कि किसी कोई अननोन इंसान आपको फायदा दिला देगा। सप्ताह के मध्य में खर्च करेंगे आप बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। और सप्ताह के अंत में आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। उपाय के तौर पर पीले रंग के वस्त्र पहनने से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले आपकी जो है आपकी कर्मठता जो है, यानी आपके काम करने की जो आपकी क्षमता है, वो आपको आपके लोगों को प्रभावित कर सकती है, आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती है। जॉब करते हैं तो आपके काम की तारीफ होगी। वहीं आपके भाई बहनों से आपको घर में काफ़ी लाभ होगा। कुछ लोगों को जो है विदेश जाने का मौका मिल सकता है, कहीं ट्रिप पे जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ मानसिक चिंता बढ़ जाएगी, तो घर के लोगों का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर शनि स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके नवम, दशम और एकादश भाव में संचार करेंगे। धार्मिक विषयों में जो है आपको अपने गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में काम के सिलसिले में किसी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं आप। वहीं सप्ताह के अंत में जो है वो आपका काफी सुखद रहेगा, आपके अटके काम बनेंगे और फैमिली में माता पिता के साथ आप काफी अच्छा समय बिताएंगे। उपाय के तौर पर बजरंग बाण का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। तो चंद्र देवता इस सप्ताह आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत जो है उसमें आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सप्ताह के मध्य भाग में आप जो है काफ़ी अपने आप को फिट पाएंगे। पिता के जरिए जो है आपको लाभ हो सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में अपनी सहकर्मियों को आप सलाह देते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी से, जो लोग जॉब करते हैं, किसी से दिल लगने, प्रेम होने की संभावना है। उपाय जान लेते हैं तो शिव परिवार की पूजा करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 21 फरवरी से 27 फरवरी के बीच का 7 दिन जो है वो कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे ही हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आएंगे साप्ताहिक राशिफल, और इस चैनल पर हम आपके लिए हर शाम 5 बजे लेकर आते हैं दैनिक राशिफल का वीडियो। तो ये तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले, इस सप्ताह में जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो टॉक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।